जैसे अपने पिछले वीडियोस में हमने HTML से लेकर CSS तक काफ़ी आगे तक बात करी, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह हम लोग अलाइनमेंट कर सकते हैं किसी भी एक HTML पेज में। तो यहाँ पर बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी से हम करेंगे क्या, एक tu21.html नामक फाइल बनाएंगे और उसमें जल्दी से HTML की बॉयलर प्लेट लगाएंगे। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इसका टाइटल को सेट कर दूँगा अलाइनमेंट, और यहाँ पर हम देखेंगे कि अलाइनमेंट किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलाइनमेंट करने के लिए मैं कुछ एक दो काम तो करूँगा ही, जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्टाइल टैग ओपन क्लोज कर दूँगा ताकि सारी जो स्टाइलिंग है वो मैं इसके अंदर डाल दूँ। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक कंटेनर बनाऊँगा। मैंने एक कंटेनर बनाया, एक डिव बनाया कंटेनर नाम का, और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कुछ मान लेते हैं कि हम एक ग्रॉसरी वेबसाइट बना रहे हैं जो कि एक ग्रॉसरी स्टोर है, और उसमें हमारे पास मान लो अलग अलग तरह के आइटम्स हैं जो कि हम सेल करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक हेडिंग बनाऊँगा या फिर एक काम करता हूँ, एक डिव बनाऊँगा, और उस डिव को सबसे पहले मैं एक आईडी दूंगा, और उस डिव को मैं फ्रूट्स दूंगा आईडी, और उसके बाद मैं लिखूँगा एक आइटम नाम का उसको क्लास दूंगा। अब ये मैंने क्यों किया, आईडी मैंने दे दिया फ्रूट्स और क्लास दे दिया मैंने आइटम, ऐसा क्यों किया? आईडी फ्रूट्स इसलिए दिया क्योंकि मैं इसको यूनिकली डिफाइन करना चाहता हूँ फ्रूट्स के नाम से। क्लास आइटम इसलिए दिया कि अगर मैं सारे आइटम्स में कोई बॉर्डर या फिर मार्जिन या फिर पैडिंग या फिर बॉर्डर रेडियस वगैरह डालना चाहता हूँ तो वो मैं डाल सकता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता ये सब चीज़ें क्या है तो आप लोग ये जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक करके इसको सेव कर लीजिए ताकि ये प्लेलिस्ट आपकी अपनी हो जाए और आप लोग स्टार्टिंग से लेके इस प्लेलिस्ट को देखें। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस कर लेना, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैंने आईडी इक्वल टू फ्रूट्स लिखा और क्लास इक्वल टू आइटम लिखा। अब मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ बनाऊँगा और उस पैराग्राफ को मैं एक आईडी दे दूँगा, और मैं फ्रूट्स पैरा दे देता हूँ उसको आईडी। ठीक है, और एक क्लास भी दे देता हूँ, इसी के साथ साथ एक क्लास दे दूँगा, डॉट लिख दूंगा मैं यहाँ पर पैरा। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर एमएट यूज़ कर सकते हैं, पी हैश मतलब पी जिसकी आईडी फ्रूट्स पैरा है, फिर डॉट लगा के पैरा लिख दिया तो उसकी क्लास पैरा है। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। उसी के साथ साथ पैरा से पहले एक हेडिंग भी लगा लूँगा, एक H3 हेडिंग लगा लेता हूँ, और मैं H3 के अंदर लिखूँगा क्या, कुछ भी डाल सकता हूँ H3 के अंदर। मैं यहाँ पर फ्रूट्स डालता हूँ, फ्रूट्स हैं तो ठीक है, और इसके बाद सारा कॉपी पेस्ट का कमाल है। तो ये कंटेनर के अंदर मैंने बहुत सारे डिव रखने हैं, तो मान लो मैं यहाँ पर तीन डिव रख रहा हूँ, मेरे पास फ्रूट्स हैं, मेरे पास मान लो कंप्यूटर आइटम्स हैं तो उनको कंप्यूटर कर देता हूँ, कंप्यूटर पैरा कर देता हूँ, और उसी के साथ साथ क्या हो सकता है मेरे पास, और क्या चीज़ बिकती है, और स्टेशनरी रख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फ्रूट्स की जगह स्टेशनरी रख देता हूँ। तो कंटेनर के अंदर है फ्रूट्स, कंप्यूटर और स्टेशनरी। ठीक है, बहुत बढ़िया, देखते हैं कैसा दिख रहा है। मैं यहाँ पर लाइव सर्वर जो है जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, और जैसे लाइव सर्वर स्टार्ट किया तो यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर कुछ डाला ही नहीं मैंने, और ना ही यहाँ पर मैंने कंप्यूटर लिखा, ना ही यहाँ पर स्टेशनरी लिखी। और यहाँ पर जल्दी से क्या करूँगा, एक मल्टी कर्सर वाली फंक्शनैलिटी ऑल्ट दबा के क्लिक करूँगा इन तीनों की जगह, और यहाँ पर lorem 34 लिख दूँगा, या lorem 30 लिख दूँगा। जैसे ही lorem 30 लिखूँगा अब मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखाई देगा, और अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा अपनी CSS में। सबसे पहले क्या करूँगा, डॉट कंटेनर लिखूंगा, जो भी मैं कंटेनर को स्टाइलिंग देना चाहता हूँ वो यहाँ पर आएगी। इसके बाद मैं डॉट आइटम लिखूंगा, जो भी मैं आइटम को स्टाइलिंग देना चाहता हूँ वो यहाँ पर आएगी। फिर उसके बाद अगर मैं फ्रूट्स कंप्यूटर और स्टेशनरी को कुछ देना चाहता हूँ, और इसका फ्रूट्स नहीं, इसको फ्रूट ही कर देता हूँ, जब सारे बाकी के सिंगुलर हैं तो खैर फ़र्क पड़ता नहीं है, कुछ भी नाम दे सकते हो। फ्रूट कंप्यूटर स्टेशनरी, ये तीन मैंने दे रखी हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, मैं सबसे पहले एक चीज़ और करूँगा, मैं यहाँ पर स्टार लिख दूंगा, कोई भी चीज़ मैं सब आइटम के लिए ऐड करना चाहता हूँ तो वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या कि जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर हमें कुछ भी डालना होगा तो हम यहाँ पर डालेंगे, अगर आइटम के अंदर कुछ भी डालना होगा तो हम यहाँ पर डालेंगे। अब मैं आइटम के अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको बॉर्डर दूंगा 2x3 pixel सॉलिड ग्रे का। ठीक है, कोई भी दे सकते हैं बॉर्डर, मैंने सॉलिड ग्रे का दे दिया बॉर्डर। अब इसके बाद मैं यहाँ पर मार्जिन ऐड करूँगा 12 pixel 3 pixel, और उसके बाद जैसे ये करूँगा मैं, आई थिंक 12 pixel 3 pixel सही है, और पैडिंग भी दे दूँगा। ठीक है, पैडिंग भी मान लो मैं 12 pixel 3 pixel दूँ, जो 12 pixel है वो y में है और जो 3 pixel है वो x में है, तो अभी ये जो है ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ही मैंने ये किया मैं बैकग्राउंड भी दे सकता हूँ, इसको बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड में मैं रेड करूँगा, उसको इतना लाइट कर दूँगा बाद में कि अच्छा दिखेगा, वो भी रेड बैकग्राउंड तो बहुत ही घटिया दिखेगा, तो मैं कलर पिकर का इस्तेमाल करूँगा, एक बहुत ही लाइट सा बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर इसको दे दिया जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अलाइनमेंट करना चाहता हूँ इसका। तो अलाइनमेंट करने से पहले मैं क्या करूँगा, कंटेनर की विड्थ सेट कर दूंगा। तो मैं कहूँगा जो कंटेनर भैया है उनके विड्थ को कर दो क्या 900 पिक्सल। और जैसे मैं ये करूँगा तो ये देखो इसकी विड्थ 900 पिक्सल हो गई। और एक कंटेनर को भी बॉर्डर दे देते हैं, तो मैं अगर यहाँ पर बॉर्डर दे दूँ कंटेनर को 3 पिक्सल सॉलिड पर्पल, तो ये देखो यहाँ पर इसको भी बॉर्डर मिल गया। तो बॉर्डर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आपको पता चले ताकि कि किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। अब बॉर्डर इसको मैंने दे दिया है कंटेनर को अपने, मैं अब करूँगा क्या, यहाँ पर मान लो कि मैं आइटम को सेंटर करना चाहता हूँ, सब ये पूरे डब्बे को सेंटर करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। तो किसी भी डब्बे को सेंटर करना है तो मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी होती है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कंटेनर में मार्जिन ऑटो कर दूँ तो ये देखो क्या हुआ, यहाँ पर ये सेंटर हो गया। अब ये मार्जिन ऑटो का क्या मतलब हुआ, मार्जिन ऑटो जब एक्स में लगाई जाती है तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली मार्जिन को कैलकुलेट करता है। जब आपने इस डब्बे को मार्जिन ऑटो दी तो इसने कहा कि ठीक है लेफ्ट में और राइट में बराबर ले लेता हूँ, तो इसने लेफ्ट और राइट में बराबर लेने का फैसला कर लिया और सेंटर हो गया। ये कोई भी एलिमेंट अगर आप सेंटर करना चाहते हैं तो मार्जिन ऑटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है आप वाई में कुछ और मार्जिन देना चाहें, और बिल्कुल आप वाई में कुछ और मार्जिन दे सकते हैं। मान लो मैं 33 पिक्सल देना चाहता हूँ वाई में, तो मैं 33 पिक्सल दे सकता हूँ, ऊपर से मुझे 33 पिक्सल मिल गई। तो अगर आप यहाँ पर इंस्पेक्ट करें और ये जो मेरा कंटेनर को 33 पिक्सल दी हुई है इसको अगर आप बढ़ाएं तो ये और नीचे आ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 33 पिक्सल अभी के लिए ठीक है। तो ये था तरीका सेंटर करने का इस चीज़ को। अब अगर मान लो आप फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं गूगल फॉन्ट पे मैंने आपको बताया था, आप लोग क्या कर सकते हैं, गूगल फॉन्ट में जा सकते हैं। गूगल फॉन्ट में जाने के बाद कोई भी फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है उसको यूज़ करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे एक उबंटू नामक फॉन्ट हमने देखा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे वो फॉन्ट, और मैं काफ़ी यूज़ भी करता हूँ उसको, मुझे अच्छा लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और कॉपी करने के बाद अपने हेड में इंक्लूड कर सकते हैं। हेड में इंक्लूड करने के बाद आप कुछ इस तरह से फॉन्ट फैमिली लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट फैमिली लगाऊंगा बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर जो जो है सब में ये फॉन्ट फैमिली आ जाएगी। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो उबंटू फॉन्ट आ चुकी है और अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर आप कौन सी फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं। अभी मैंने पूरी जो बॉडी है उसकी फॉन्ट उबंटू कर दी है, ठीक है। तो अभी उबंटू हो गया। अब लाइन हाइट भी आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक दैट शुड बी गुड, अभी हम नहीं कर रहे हैं लाइन हाइट को चेंज। काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं जो जो फॉन्ट में हमने देखा था। आप लोग जाएँ वेबसाइट पर, अगर आप लोगों ने ये कोई वीडियो खोला होगा तो उसमें एक लिंक होगा जो आपको लेकर जाता है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, जो आपको लेकर जाता है यहाँ पर मेरी इस वेबसाइट पर, जहाँ पर आप लोग को कोड मिल जाता है। तो आप यहाँ पर सारा का सारा कोड दिया हुआ है हर वीडियो के करस्पॉन्डिंग, कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से कुछ लाइंस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो अभी आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। तो ये अलाइनमेंट वाले इसमें मैं आऊँगा वापस से और आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से अब राइट और लेफ्ट में अगर आप लोगों को आइटम्स को फ्लोट करना है तो आप करेंगे। अब अगर आप राइट और लेफ्ट में फ्लोट करना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट को तो आप क्या करेंगे, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डब्बे हैं, ठीक है। एक फ्रूट्स का डब्बा है हमारे पास, और एक हमारे पास डब्बा है कंप्यूटर का, एक है स्टेशनरी का। तो मैं अब यहाँ पर करूँगा क्या, मैं आईडी से टारगेट करूँगा, सबसे पहले फ्रूट को करूँगा, और फ्रूट को करने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कंप्यूटर और स्टेशनरी को भी कर दूंगा। तो मैं कहूँगा फ्रूट ये हो गया मेरा, कंप्यूटर ये हो गया मेरा, स्टेशनरी ये हो गई मेरी। ये जो फ्रूट है मेरा, मैं इसमें करूँगा क्या कि मैं फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा। अब आप लोग कहेंगे फ्लोट लेफ्ट क्या होता है। अब यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट करने के साथ साथ मुझे इसकी विड्थ भी सेट करनी पड़ेगी। मान लो मैंने 12% सेट कर दी। अब मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर लेकर जाऊँ तो ये देखो लेफ्ट में ये फ्लोट हो चुका है, और लेफ्ट में फ्लोट होने के साथ साथ इसकी विड्थ भी मैंने कम कर दी। अब मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग ओवरलैप भी देख रहे होंगे तो उसको भी हम ठीक करेंगे। लेकिन ये जो फ्रूट है मेरा, इसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। मान लो मैंने इस तरह से बढ़ा दी, ठीक है, तो मैं इतनी कर दूंगा, 50% कर देता हूँ इसकी विड्थ को, ठीक है। तो अगर मैंने इसकी विड्थ को 50% कर दिया, मैंने इसकी विड्थ को मान लो कर दिया 50%, तो मेरा मामला ठीक हो जाएगा। और मैं जो यही चीज़ है ये डाल दूंगा अपने कंप्यूटर के अंदर भी, ठीक है। तो मैंने 50-50 अगर करा इसको तो, सॉरी कंप्यूटर नहीं, स्टेशनरी के अंदर मुझे डालना था अभी, तीनों में डाल देता हूँ, तीनों में डाल देता हूँ। तो मैंने कहा है कि आपको लेफ्ट में फ्लोट करना है और विड्थ रहेगी आपकी 50-50। तो जब मैं इसको फ्लोट लेफ्ट करता हूँ तो होगा क्या यहाँ पर, कि मेरे फ्रूट्स और कंप्यूटर जो है साइड बाय साइड आने आ जाने चाहिए, क्योंकि 50-50 तो 100 होता है। तो अगर मैं इसकी विड्थ 50% कर दूँ तो ये एक लाइन में मेरे एक रो में आ जाने चाहिए। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था एक प्रॉपर्टी के बारे में, और जिसका नाम था बॉक्स साइजिंग।
बॉक्स साइजिंग मैं करूंगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर विड्थ को कर दूंगा 48 48, और मैं जैसे ही विड्थ को 48 48 करूंगा तो यहाँ पर देखो ये साइड बाय साइड मेरे आ चुके हैं, क्योंकि मैंने इनकी फ्लोट को लेफ्ट किया हुआ है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर फ्लोट को लेफ्ट करूंगा तो आप लोग देखो कि ये में जो मेरा जो पेरेंट था ये एकदम कोलैप्स हो गया, यानी कि ये पेरेंट के अंदर नहीं है, ये सिर्फ पेज पर ऐसे ही फ्लोट कर रहे हैं। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, ये जो स्टेशनरी है ना, यहाँ पर मैंने जो ये स्टेशनरी बनाई है, मैं इसकी विड्थ को ना 100 पिक्सल कर देता हूँ, सॉरी 100% कर देता हूँ, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट कर रहा है सब कुछ हमारा, तो ये देखो ये 100% आ गया। अब मैं क्या करूँगा, कंप्यूटर और फ्रूट्स के अंदर मैं थोड़ा और टेक्स्ट ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि ये जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें लॉरेम 34 कर दूंगा एक, और यहाँ पर भी लॉरेम 34 कर दूंगा, लॉरेम 34, और यहाँ पर मैं लॉरेम 34 लिख रहा था, कंट्रोल एस टू सेव। और ये जो स्टेशनरी है ना, इस पे से मैं फ्लोट जो है ये हटा देता हूँ। अब देखो क्या हुआ, देखा आपने क्या हुआ, यहाँ पर ये ओवरलैपिंग आ गई। मैंने फ्रूट्स का एक जो डिव बनाया हुआ था इसको मैंने फ्लोट फ्लोट लेफ्ट किया, ये लेफ्ट में फ्लोट करने लग गया इस डायरेक्शन में, कंप्यूटर भी इस डायरेक्शन में फ्लोट करने लग गया। लेकिन इसके बाद अगर मैंने कोई नॉर्मल एलिमेंट लगाया तब क्या हुआ, तब वो एलिमेंट ओवरलैप हो गया और इसके ऊपर आ गया, ठीक है, जो मैं नहीं चाहता हूँ, जो कि गलत बात है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को करने के लिए क्या करूँगा, ठीक, मैं आप लोग को यहीं पर करके दिखाता हूँ। मैं इन तीनों डिव्स को एक एक करके ले लेता हूँ। देखो हमारा पहला डिव तो ये है जो कि फ्लोट कर रहा है, जिसका नाम है फ्रूट, दूसरा डिव ये है जिसका नाम है कंप्यूटर, ये भी फ्लोट कर रहा है, लेकिन जो स्टेशनरी था ना इसको ओवरलैप कर बैठा है ये फ्रूट और कंप्यूटर। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक क्लियर प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मैं यहाँ पर स्टेशनरी में डाल दूंगा क्लियर और मैं डाल दूंगा राइट, तो देखो क्या होगा, जैसे मैंने क्लियर राइट लिखा ये देखो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको क्लियर लेफ्ट कर दूं, मैं इसको क्लियर लेफ्ट कर दूं तो ये ठीक हो गया। अब ये क्या कहानी है, क्लियर राइट करने से ठीक हुआ नहीं, क्लियर लेफ्ट करने से ठीक हो गया। मैं आप लोग को इसका मतलब बताता हूँ, जैसे ही मैं लिखता हूँ क्लियर लेफ्ट, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी फ्लोट लेफ्ट हैं वो मुझे तंग ना करें। अगर मैं स्टेशनरी में लगा देता हूँ, क्या मैं स्टेशनरी में अगर लगा देता हूँ क्लियर लेफ्ट, इसका मतलब है कि फ्लोट लेफ्ट एलिमेंट मेरे ऊपर ना आए, कोई भी फ्लोट लेफ्ट एलिमेंट अलाउड नहीं है। अगर मैं क्लियर राइट करूँ तो कोई भी फ्लोट राइट एलिमेंट अलाउड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं क्लियर कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, मान लो मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर लेफ्ट, सेव किया इसको, और यहाँ पर देखो इसने कह दिया कि कोई भी फ्लोट लेफ्ट एलिमेंट अलाउड नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, एक को फ्लोट राइट कर दूंगा तो ये राइट में फ्लोट होने लग जाएगा, जो मेरा कंप्यूटर है वो राइट में आ जाएगा, और ये देखो पहले से कंप्यूटर मेरे राइट में था। तो इसने क्लियर में क्या कहा है, जो ये स्टेशनरी है इसने कहा है कि लेफ्ट में कोई अलाउड नहीं है लेकिन राइट में तो अलाउड है, तो राइट वाला इसको ओवरलैप करेगा, देखो राइट वाला इसको ओवरलैप कर रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ दोनों साइड से ओवरलैप ना हो तो मैं क्लियर बोथ कर दूंगा, तो मैं क्लियर बोथ यहाँ पर लिख देता हूँ, और क्लियर बोथ जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ना लेफ्ट ना राइट दोनों में से कोई भी अलाउड नहीं है, इस एलिमेंट को अकेला छोड़ दो, तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो फ्लोट करते रहेंगे और अगला जो इसके बाद वाला एलिमेंट है वो उसके नीचे आ जाएगा। और इसके बाद अगर मान लो मैंने एक और कुछ और डाला आइटम अपना, मान लो स्टेशनरी के साथ साथ मान लो मैंने ग्लासेस डाला, ठीक है, मैं यहाँ पर ग्लासेस पैरा कर देता हूँ, सेव करूँ इसको अगर, तो ये देखो यहाँ पर ग्लासेस पैरा अपने आप नीचे आ चुका है। तो ये है हमारा फ्लोट यूज़ करने का तरीका, इस तरह फ्लोट यूज़ किया जाता है। अब ज़रा सा यहाँ पर टेक्स्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। टेक्स्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेक्स्ट बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं कहूँगा जो पैराग्राफ है मेरा और H1 है, जो पैराग्राफ और H1 है, P, H1, उसमें मैं क्या चाहता हूँ, मैं उसमें जो टेक्स्ट है मेरा उसको टेक्स्ट अलाइन लिखूंगा मैं यहाँ पर, मान लो राइट लिख दिया मैंने, तो टेक्स्ट जो है राइट में अलाइन हो जाएगा। उसी के साथ साथ मैं अगर यहाँ पर लेफ्ट लिख दूँ तो ये जो टेक्स्ट अलाइन वाली प्रॉपर्टी है वो ओवरराइट कर देगा, जो बाद में लिखी होती है वो मानी जाती है, मैंने पहले भी बताया था, तो लेफ्ट में आ जाएगा, ये देखो लेफ्ट में आ गया। फिर उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर सेंटर कर सकता हूँ, जैसे ही मैं इसको सेंटर करूँगा ये सेंटर में आ जाएगा, और इसके बाद मैं जैसे ही जस्टिफाई करूँगा ये देखो ये जस्टिफाई हो गया, ठीक है, हो गया ना जस्टिफाई। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट को ठीक कर सकते हो, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं इनको एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब फ्लोट जो है वो अब हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं लेआउट्स बनाने के लिए, अब हम फ्लैक्स बॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन तब भी फ्लोट और क्लियर जो है आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। मैं एक बार और फ्लोट और क्लियर यहाँ पर बताना चाहूँगा ताकि ये आपको परेशान कभी भी ना कर पाएँ, ठीक है।
तो फ्लोट और क्लियर को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को वापस से इसी डब्बे का एग्जांपल देता हूँ। मैंने फ्रूट्स को क्या कहा, मैंने कहा इसको फ्लूट को कि लेफ्ट में ये फ्लूट हो जाए, और कंप्यूटर को भी कहा मैंने कहा फ्लूट हो जाए लेफ्ट में, मान लो ठीक है मैं लेफ्ट लेफ्ट कर देता हूँ दोनों को फ्लूट, और स्टेशनरी को मैं कहीं फ्लूट होने नहीं बोल रहा हूँ। तो जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा कि ये तो लेफ्ट लेफ्ट फ्लूट हो जाएंगे, और मैं क्लियर भी हटा देता हूँ यहाँ से, मैंने क्लियर बहुत लिखा हुआ है, ये तो फ्लोट हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो है एक ओवरलैप आ जाएगा इसके अगले आइटम में, और इस ओवरलैप से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये फ्लोट तो कर रहा है लेकिन इसको इसने क्या किया है, ढक दिया है। मैं नहीं चाहता कि ये इसको ढके, तो अगर आप चाहते हैं कि इसको ना ढके तो आप क्या कर सकते हैं, इसका रास्ता साफ कर सकते हैं। तो स्टेशनरी कहेगा फ्लोट राइट मेरा रास्ता साफ करो, तो स्टेशनरी अगर ये कहना चाहता है कि फ्लोट राइट मेरा रास्ता साफ करो, तो वो क्लियर राइट लिख सकता है। तो अगर उसने क्लियर राइट लिख दिया, इसका मतलब है कि फ्लोट राइट मेरा रास्ता साफ करो, लेकिन फ्लोट राइट तो था ही नहीं, तो कौन इसका रास्ता साफ करेगा, देखो फ्लोट राइट है नहीं, दोनों फ्लोट लेफ्ट है। अगर ये लिखता है क्लियर लेफ्ट, तो इसका मतलब है कि फ्लोट लेफ्ट मेरा रास्ता साफ कर दो, तो फ्लोट लेफ्ट इसका रास्ता साफ कर देगा। लेकिन अगर लेफ्ट और राइट दोनों हैं तो आप किसी ना किसी से तो रास्ता साफ करवाना चाहेंगे, या दोनों से करवाना चाहेंगे, तो आप क्लियर बोथ भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर किया था। अगर मैं यहाँ पर इसको फ्लोट राइट कर दूँ फ्रूट्स को, तो फ्रूट्स राइट में आ जाएगा, ये देखो फ्रूट्स राइट में आ गया इस बार, और मैंने क्लियर बोथ किया हुआ है इसलिए दोनों साइड से रास्ता जो है क्लियर हो गया। तो फ्लोट्स को आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं लेआउट बनाने के लिए, लेकिन अभी हमारे पास और अच्छी टेक्निक्स हैं जैसे फ्लैक्स बॉक्स, और उसको हम लोग देखेंगे बहुत जल्दी। गूगल फॉन्ट्स मैंने आप लोगों को बताया कैसे यूज़ करना है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक जल्दी से इसको बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, मैंने बैकग्राउंड नहीं दिया, और बैकग्राउंड कलर मैं बहुत ही सिंपल सा दूंगा, सैंडी ब्राउन का कोई हल्का सा दे देता हूँ, ये दे देता हूँ ठीक है। और ये देखो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी आ गया, तो एक बहुत ही अच्छी सी वेबसाइट बन गई है। और मैं एक काम करता हूँ, ऊपर एक H1 लगा देता हूँ, एक हेडिंग लगा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू माई स्टोर, और इसको H1 के अंदर लिखना था मुझे, और कुछ इस तरह से मैं ऑल्ट दबा के, अप एरो की दबा के इसको ऐसे कर दूंगा, और ये देखो वेलकम टू माई स्टोर आ गया, लेकिन ये सेंटर में नहीं आया यार। तो एक काम करते हैं इसको कंटेनर के अंदर ले लेते हैं ठीक है, इसको कंटेनर के अंदर लूँगा तो कुछ इस तरह से मेरा काम जो है बन जाना चाहिए। तो वेलकम टू माई स्टोर यहाँ पर आ गया, और उसी के साथ साथ अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ इसको, और इसको मैं मार्जिन ऑटो दे दूँ, तो ये काम नहीं कर रही है क्योंकि इसमें मैंने विड्थ नहीं दिया, तो मैं इसको विड्थ भी देता हूँ। तो मैं इसको विड्थ दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ 455 पिक्सल, सही लग रही है, तो विड्थ 455 पिक्सल मैंने दे दी है, और यहाँ पर ये सेंटर में आ गया। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और ऐड कर दूँगा H1 के अंदर ठीक है। तो H1 मैंने यहाँ पर H1 में ये ऐड करनी है, और ये जो चीज़ मैंने ऐड करनी थी H3 में ऐड करनी चाहिए थी, तो मैंने इसको H3 में ऐड करना है, तो H3 में मैंने इसको अभी ऐड कर दिया है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कंट्रोल एस टू सेव, और राइट क्लिक करके आप जैसे ही फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा, मैं इसको इस तरह रखना पसंद करता हूँ। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी स्टोर वेबसाइट बन चुकी है। अगर आप H1 को ऊपर नीचे से कुछ पैडिंग वगैरह देना चाहते हैं, मार्जिन देना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि H1 में एक ऊपर नीचे से मार्जिन आ जाए 23 पिक्सल की, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं इसको 23 पिक्सल करके सेव करूँगा, तो ऊपर से भी इसमें जो है मार्जिन आ गई है, और अभी ये वेबसाइट ठीक ठाक दिख रही है, और बहुत ख़ास भी नहीं दिख रही है, बट हमने एक बेसिक अच्छी सी वेबसाइट बनाना सीख लिया है, और हम जो है और भी अच्छे अच्छे लेआउट्स देखेंगे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और विड्थ वगैरह, और हम छोटी बड़ी करके देखेंगे क्या चीज़ जच रही है, नेविगेशन बार्स बनाएंगे, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाएंगे। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा इस कोर्स में। अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं, और उसी के साथ साथ आप लोग ने अगर मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है देखने के साथ साथ, तो काइंडली उनको लाइक भी कर दिया करो, और अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लेलिस्ट भी ज़रूर एक्सेस कर लेना। तो यहाँ पर आप लोग मेरे चैनल पे जा सकते हो, चैनल पे जाने के बाद आप लोग क्लिक कर सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन में, और यहाँ पर ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।